हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं बात करता हूँ एनलिस में लाइफ कैसी होती है, यहाँ की एकेडमिक्स, यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, एंड देन आई ऑल्सो शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ के मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, यहाँ का जिम कैसा होता है उसके बारे में बात करूँ, तो आज की वीडियो उसी बारे में रहेगी। तो पहले तो मैं गया था फील्ड पे शूट करने, बट वहाँ पे आई थिंक अभी म्यूज़िक प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जनरली जैमिंग सेशन चल रहा है, तो मैं वापस बास्केटबॉल कोर्ट पे आ गया। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, ये बास्केटबॉल कोर्ट है एंड बगल में ही फिर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली ये सब बात करेंगे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कौन से टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं, कौन से बहुत मोस्टली खेले जाते हैं, उसके बाद जिम कैसा है यहाँ पे, क्या टाइमिंग्स हैं जिम की, और जनरली ये सब बातें। एंड फाइनली मैं ये भी मिथ जो है उसको डिबंक करूँगा कि एनलिस में एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का लोगों को मौका ही नहीं मिलता। तो ये सब बातें करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिम की, यहाँ पे जिम फैसिलिटीज़ कैसी हैं, बिकॉज आई फील कि कॉलेज स्टार्ट होने के पहले बच्चे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो जिम के लिए होते हैं, बिकॉज काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल होता है एक तो कैंपस पे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और मतलब आप कभी भी फ्री टाइम मिला तो आप जिम जा सकते हो ईजिली, एज़ कम्पेयर टू अगर घर पे हो तो कहीं दूर जाना पड़ता है एंड ऑल दीज रीजंस। तो यहाँ पे एनलिस में काफ़ी अच्छा जिम है एंड विद एडवांस मशीन्स। तो ये ट्रेनिंग सेंटर जो है उसके टॉप फ्लोर पे है, तो ट्रेनिंग सेंटर इज़ द गेस्ट हाउस ऑन कैंपस, उसके टॉप फ्लोर एज इन सेकेंड फ्लोर पे जिम है, तो अच्छा है आप स्टेयर्स क्लाइंब करके जाते हो तो वार्म अप भी हो जाता है, तो वहाँ पर है एंड वहाँ पे एक ट्रेनर प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम, जो जिम प्लान, डाइट प्लान, ये सब एक्सरसाइजेस फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं। फिर इस तरह वहाँ पे एक अलग एरिया भी है जहाँ पे आप योगा कर सकते हो, तो इस तरह का जिम है। टाइमिंग्स कुछ इस तरह हैं कि सुबह 6 o'clock से 9 o'clock तक खुला रहता है एंड फिर इवनिंग में 4 o'clock से 8 o'clock तक खुला रहता है। दिस इज़ ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक एक्सेप्ट संडेज़ एंड अदर हॉलीडेज़ पे सिर्फ शाम को खुला रहता है, वो 4 to 8 वाले स्लॉट में। तो ये टाइमिंग्स हैं। सो लोग जिम करते हैं तो जिम गेट ज़ीरो के ही पास है, तो गेट ज़ीरो से एग्जिट करते ही बगल में गणेश जूस शॉप पड़ती है, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जिम करते हैं उसके बाद गणेश चले जाते हैं, वहाँ से जूस पी लिए या कोई भी मतलब हेल्दी स्नैक ले लिए, तो इस तरह यहाँ पे होता है। तो ये था जिम का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो देर इज़ अ स्पोर्ट्स कमिटी जो यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराती है और सेलेक्शंस ऑर्गेनाइज़ कराती है, एंड सेलेक्शंस यहाँ पे होते हैं लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स, जैसे हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फ्रिस्बी, ये सब, एंड इंडोर इवेंट्स लाइक चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, एंड अदर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। तो इन सिलेक्शन इवेंट्स के बाद यूनिवर्सिटी टीम्स बनती हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करती हैं यूनिवर्सिटी को। तो एनलिस के स्टूडेंट्स मेजरली दो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं इंटर कॉलेज लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे। द फर्स्ट वन इज़ स्पिरिटस, जो कि एनलिस खुद करवाता है कैंपस पे, एंड ये स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एवरी ईयर, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑन कैंपस। तो इसमें पूरे स्टेट से प्लेयर्स आते हैं एंड दे पार्टिसिपेट्स इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स, यहाँ पे अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होते हैं। सेकेंड वन इज़ ट्राइलैटरल, विच इज़ पार्टिसिपेटेड बाई द ट्राई ऑफ एनलिस, नालसार एंड NUJS। तो ये रोलिंग बेसिस पे यही तीन कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपने कैंपस पे, एंड इसमें टीम्स हमारी जाती हैं, तो नालसार करवाता है तो हैदराबाद में होता है, NUJS करवाता है तो कोलकाता में, और एनलिस जब करवाता है तो बैंगलोर में होता है। तो इवन दिस इज़ लाइक अ ह्यूज फेस्टिवल जो कि आई थिंक 2-3 दिन का होता है। इसमें टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़, वी हैव अ फील्ड विच इज़ लाइक ह्यूज, वहाँ पे क्रिकेट पिच है एंड फुटबॉल गोल पोस्ट हैं वहाँ पे, फिर रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये सारे स्पोर्ट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट सिलेक्शन जो होते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के, लाइक जैवलिन थ्रो हो गया, शॉट पुट हो गया, वो भी वहाँ पे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे मैं बैठा हुआ वो अभी, वॉलीबॉल कोर्ट जो कि जस्ट पीछे ही है, एंड इसके अलावा टेनिस कोर्ट है, फिर इनडोर गेम्स को लेके TT टेबल्स हैं, कैरम बोर्ड्स हैं, चेस बोर्ड्स हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट इज़ वेरी नियर टू कैंपस, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इट
गोज बाय द नेम ऑफ आई थिंक नोवा बैडमिंटन अकेडमी, तो वहाँ पे हमारे सिलेक्शंस होते हैं या किसी को खेलना होता है बैडमिंटन तो वहाँ जाते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल का तो काफ़ी अच्छा कल्चर है ही, यहाँ पे काफ़ी ऑफन मैचेस होते रहते हैं, इनफैक्ट दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मैचेस होते हैं। टेबल टेनिस का मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा कल्चर है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो दो तीन टेबल्स हैं यहाँ पे एंड वो ऑलमोस्ट हर समय बिजी रहती हैं, कोई ना कोई खेलता रहता है, तो ये अच्छा कल्चर है। एंड रिसेंटली गर्ल्स फुटबॉल टीम आई थिंक बनी थी लास्ट ईयर, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रमोट हो रहा है। वुमेंस क्रिकेट टीम भी है, वुमेंस कबड्डी टीम भी है, तो ये भी अच्छा है। फ्रिस्बी का एक कलेक्टिव है, अल्टीमेट फ्रिस्बी, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पोर्ट्स काफ़ी प्रमोट होने लगा है, इनफैक्ट रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा। टॉकिंग अबाउट माइसेल्फ, मैंने यहाँ आके टेबल टेनिस सीखा, तो जब मैं नया फर्स्ट ईयर में आया था, आई वाज सो फैसिनेटेड विद द स्पोर्ट कि मैं क्लासेस के बीच में जो 20 मिनट्स का ब्रेक होता था उसमें हम लोग जाते थे एंड खेल के आते थे, तो वो एक अच्छा लगा, मैं टेबल टेनिस सीख गया यहाँ आके। फिर बैडमिंटन इज़ वन स्पोर्ट आई एम इंटरेस्टेड इन। इसके अलावा अभी जून की छुट्टियों में जब मैं भैया के घर गया था, तो मैं वहाँ पे लॉन टेनिस खेलता था काफ़ी, तो आई थिंक अब मैं वो लॉन टेनिस भी यहाँ पे खेलना शुरू करूँगा, तो एंड आई एम प्रॉब्ली गोना गिव द सिलेक्शंस ऑल्सो। तो दीज थ्री आर द स्पोर्ट्स आई एम इंटरेस्टेड इन। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स कल्चर एट एनलिस इज़ द ऑर्गनाइजिंग ऑफ लीग्स ऑन कैंपस। तो ये शुरू हुई थी गली क्रिकेट लीग और GCL के साथ एंड हैज़ नाउ एक्सपैंडेड टू फुटबॉल, जो लॉ लीगा नाम से है। तो ये लीग्स होती हैं इन द सेंस कि टीम्स बनती हैं, टीम्स के मैनेजर्स होते हैं, फिर प्लेयर्स का ऑक्शन होता है एंड इज़ रन ऑल अराउंड द ईयर अक्रॉस 3 trimesters। तो एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, फिर पॉइंट्स टैली होते हैं एंड इवेंचुअली लास्ट में फाइनल्स होते हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, में स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, आइदर एज पार्टिसिपेंट्स और स्पेक्टेटर्स, फिर चीयर करने आते हैं। इट बिकम्स अ वेरी फन एक्टिविटी ऑन कैंपस एंड देन इवनिंग्स आर यूजली स्पेंट एट द बास्केटबॉल कोर्ट, वहाँ पे इवेंट्स चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो सब अपने फेवरेट टीम्स को चीयर करने आते हैं, फ्रेंड्स को चीयर करने आते हैं, फिर ये गेम्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगेन सब गणेश जूस शॉप जाते हैं, वहाँ जूस पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं। सो दैट्स हाउ लाइक द स्पोर्ट्स कल्चर इज़ एट एनलिस एंड लाइक इवनिंग्स आर स्पेंट एट एनलिस। स्पोर्ट्स कल्चर एट एनलिस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड जैसे ही और स्टूडेंट्स आ रहे हैं कैंपस पे, तो काफ़ी सारा टैलेंट देखने को मिल रहा है एंड आई बिलीव कि जो कॉलेज सिस्टम प्रपोज हुआ है उससे और अच्छा प्रमोशन होगा स्पोर्ट्स का बिकॉज ऑफ इंटर कॉलेज इवेंट्स एंड उसमें के बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स फिर यूनिवर्सिटी टीम्स में जाएंगे। तो आई बिलीव दैट इज़ अ वेरी गुड मूव एंड अभी ये ऑफिशियली इसकी इंट्रिकेसीज नहीं अनाउंस हुई हैं कि कैसे वर्क करेगा, बट आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड जैसे ही अनाउंस होता है एंड आई विल टॉक अबाउट दिस कॉलेज सिस्टम इन सम अदर वीडियो। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स और जिम फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी जो कि एनलिस में है एंड आई हैव मेड अदर वीडियोज़ ऑल्सो, जिसमें म्यूज़िक डांस के बारे में बात करता हूँ कि डांस और म्यूज़िक कल्चर कैसा है एनलिस में एंड ऑल्सो लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैसी होती है एनलिस में। यू कैन फाइंड ऑल दीज लिंक्स हियर एंड डू चेक इट आउट इफ़ यू स्टिल हैवंट। And also you can connect with me on Instagram for insider content which I don't post here, so I will see you guys there also. But for your preparation you should check out this platform Smart Kida, which has numerous products to help in your CLAT preparation. जैसे कि उनका YouTube पे free of cost mentorship program है, जिसमें वो काफ़ी topics cover करते हैं, जिससे आपके कई questions जो हैं topics को लेके या अपने CLAT preparation को लेके वो solve हो जाएंगे। फिर उनका एक mock test series है जो एक्चुअल क्लैट पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। वो सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इफ़ यू विश टू सब्सक्राइब टू देयर प्रोडक्ट्स यू कैन यूज़ द कोड Varun10 ऑन देयर वेबसाइट टू गेट फ्लैट 10% ऑफ जस्ट फॉर यू गाइज। आई विल कम बैक विद मोर वीडियोज़ इन द कमिंग वीक। यू गाइज कैन सेंड मी योर टॉपिक्स ऑन इंस्टाग्राम और द कॉमेंट्स बॉक्स एंड आई विल श्योरली ट्राई टू कवर देम इन द अपकमिंग वीडियोज़। Till then, stay tuned and I will see you in the next one. Bye-bye.